अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर सिक्स स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था हमने, और हमने उसकी रीडिंग की। इट वाज अ पोएम, एक पोएम थी जिसकी हमने रीडिंग की थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, तो अपनी कॉपीज और अपने पेन्स निकाल लें और अपने नोट्स कंप्लीट करें, और क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ वो लिखते जाएं इस वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पे आएं और क्वेश्चन के आंसर्स लिखें जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। नज़म का मरकजी ख्याल क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नेचुरल फिनोमेना आर वेरी ब्यूटिफुल। ये उतार लें। Where do the boats and ships sail? The boats and ships sail on water. Boats can sail in rivers, canals and seas. But ships are large and they mostly sail in seas. इसका ये आंसर लिख लें। नंबर क्वेश्चन नंबर 3 इज What sails across the sky? इसका आंसर द क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। इसका छोटा सा आंसर ये लिख लें। Why are bridges made on rivers? दरियाओं पर पुल क्यों बनाए जाते हैं? The bridges are made over the rivers so that people and vehicles can cross that river. ठीक है, उसको क्रॉस कर सके इसलिए पुल बनाए जाते हैं। ये वाला आंसर लिख लें। Does बी पार्ट does the poetess use the word rainbow in the poem? क्या पोएटेस ने रेनबो वर्ड यूज किया है पोएम में? द पोएटेस हैज नॉट यूज द रेनबो वर्ड इन दिस पोएम बट शी हैज यूज अदर वर्ड सच एज बो एंड ब्रॉड इंस्टेड ऑफ रेनबो। ठीक है, ये उसने यूज किया है इंस्टेड ऑफ रेनबो के। सी पार्ट इज रीड लाइन 7-10 एंड सी हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द रेनबो। यानी कि ये वाली स्टेंजा की आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जी, इस लाइंस का आपने पैराफ्रेज करना है या सिंपल लैंग्वेज में से लिखना है। तो ये वाली लाइंस है, बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन एंड ओवरलुक्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रीटियर फार देन दीज। इसका आपने ये जवाब लिखना है। इन दीज लाइंस द पोएट्स डिस्क्राइब्स द रेनबो एज अ काइंड ऑफ रोड दैट कनेक्ट्स दिस अर्थ टू द स्काई। शी सेज दैट This road which can be seen going over the trees towards the sky is prettier than those bridges which human beings have constructed over rivers. ठीक है, ये आपने इसका आंसर लिख देना। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगे तो ये उर्दू में इसका ट्रांसलेशन भी नीचे दी हुई, ये आप पढ़ सकते हैं। डी पार्ट रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल सेंटेंसेस। फिर आपने इस तरह करना है, द बो दैट ब्रिजेस बिटवीन ओवरलुक्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई इज फार प्रीटियर देन दीज ब्रिजेस व्हिच मैन हैज मेड ओवर रिवर्स। ये दोनों आपने लिख लेने। जी, अब क्या आ गया आपका इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि इशारों में मतलब बताना। समटाइम्स द राइटर डू नॉट यूज The name of the thing described. They talk about that thing indirectly. It is a sort of riddle. बाज़ों का जो writers होते हैं या poetess होती है आपकी, वो चीज़ों को हूबहू वैसे describe नहीं करती जैसी वो होती हैं, बल्कि indirectly उसके इशारा करती हैं कि ये होगा और ये होगा। और इस तरह की एक चीज़ होती है, इसको पहेली बुझवाने की तरह होती है ये। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड मीनिंग होता है जिसमें आप इशारों में मतलब समझाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गैप समरी ऑफ द रेनबो। यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपने समरी में से वर्ड्स निकाल निकाल के पोएम के लिख रहे हैं। जैसे इट लुक्स डैश ब्यूटीफुल, पहले में डैश में आएगा ब्यूटीफुल, दूसरे में सेल, तीसरे में ओवर, ये ऊपर सारे वर्ड देखे मैं, इन सब को चुन के आपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है। फिफ्थ में मोर, सिक्स में रेनबो और सेवन्थ वन है रोड। इन सारे वर्ड्स को चुन के आपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है। ठीक है, अब आ जाएगा ग्रामर पोर्शन, पोजिशन ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, हर्फ जार का मुकाम कहाँ आती है ये प्रपोजिशन, वो आपको बताया जाएगा इस लेसन में।
प्रपोजिशन इज इक्वल टू प्री प्लस पोजिशन. नॉर्मली प्रपोजिशन प्रिसीड्स नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, आमतौर पर जो प्रपोजिशंस हैं वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस बुक इज ऑन द टेबल. अब टेबल एक नाउन है, ठीक है, तो उससे पहले आया ऑन, तो ये हो गया नाउन से पहले तो ऑन है प्रपोजिशन. द फिश इज इन द पॉन्ड. पॉन्ड फिर नाउन है और आपने देखा किसके पीछे इन आया है, तो इसलिए इन है प्रपोजिशन. ठीक है, ऑन एंड इन आर द प्लेसेस बिफोर द नाउन्स. ये आपने याद रखना है कि जो प्रपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है. लुक एट द पिक्चर्स, मार्क टिक और क्रॉस द सेंटेंसेस. ये आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने टिक मार्क कर देना है. द टेबल इज इन द फ्रंट ऑफ द सोफा. पहला टिक है, दूसरा भी टिक है, तीसरा क्रॉस है. पिक्चर्स को टैली करें और उसमें से देखें कि ये जो फिक्रे लिखे हुए हैं ये इन ऑन वगैरह ये सही है, फिर इसको टिक कर दें. अगर गलत है तो क्रॉस कर दें. तीसरा वाला क्रॉस, फोर्थ वाला टिक और फिफ्थ वाला क्रॉस. अपनी बुक से टैली करें पिक्चर्स कि जहाँ जहाँ जो चीज़ मौजूद है उस हिसाब से प्रपोजिशन है. अगर प्रपोजिशन उस हिसाब से नहीं है तो आप क्रॉस कर दें, अगर है तो टिक. नाउ री राइट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द करेक्ट पोजिशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपने लिख लेना. द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ द सोफा. ठीक है, ये लिखें. द बुक्स आर ऑन द टेबल. पिक्चर में बताया होगा कि टेबल पर बुक्स पड़ी होंगी, तो इसलिए आपने ऑन द टेबल लिख लिया. द लैम्प इज ऑन द टेबल. द जग इज बिटवीन द ग्लासेस एंड द पैरट इज इन द केज. ठीक है, ये होती है प्रपोजिशन की यूज, इन बिटवीन ऑन ऑन. ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी भी नाउन की जगह बताते हैं कि ये बुक्स कहाँ पड़ी हैं, ये लैंप कहाँ पड़ा है, तो उस तरह की जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन. ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, प्रिसीड करते हैं. ट्रांजिशनल डिवाइसेस अगला है हमारे पास. ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हेल्प टू कनेक्ट थॉट्स. दिस डिवाइसेस कैन बी यूज टू गाइड द रीडर थ्रू आइडियाज, बिल्ड ऑन आर्ग्यूमेंट, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड कंपेयर कंट्रास्ट एलिमेंट्स. ठीक है, इस तरह की जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, जो कि अबूरी तरकीब जिन्हें कहा जाता है, जो यूज होती हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी आइडिया को सेपरेट करने के लिए, ताकि रीडर को, पढ़ने वाले को पता चल सके कि यहाँ आइडिया खत्म हो रहा है, यहाँ आइडिया शुरू हो रहा है, या उसको कनेक्ट करने के लिए, थॉट्स को, आपकी सोच को कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एडिशन करनी है, आप लेफ्ट साइड पे आ जाए, एक्सट्रीम एंड यूज करते हैं और के लिए, कंट्रास्ट के लिए बट यूज करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए सिमिलरली यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल, यानी कि आपके थॉट्स को बयान करते, कनेक्ट करते हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस. सीक्वेंस किसी को बताना हो तो हम कहेंगे फर्स्टली वी वॉन्ट टू से दिस, सेकेंडली वी वॉन्ट टू से दैट. ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस यानी कि तरतीब अगर बतानी हो तो वो भी एक ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. इफेक्ट बिकॉज, कंक्लूजन इन अदर वर्ड्स, ऑल्सो नाउ एवर, इन द सेम, फॉर इंस्टांस, नेक्स्ट, देयरफॉर, ऑन द, इन एडिशन टू, ऑन द अदर हैंड. इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो कंपैरिजन, एडिशन, कंट्रास्ट, इलस्ट्रेशन, सीक्वेंस, इफेक्ट और कंक्लूजन, यानी कि इजाफा, तकाबल, मुआजना, मिसाल, तरतीब, असर और इख्तिताम को शो करते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस. इसे हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं, जिससे एक सेंटेंस को तब्दील किया जाता है, उसका मोड चेंज किया जाता है. ठीक है, तो ये सारे होते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस. आइडेंटिफाई एंड राइट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट यू फाइंड इन दिस पोएम. पोएम में जो आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस नजर आ रही हैं, वो आपने अंडरलाइन करने और राइट डाउन करने. ये देखें, ये है एंड यूज हुआ है, बट यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है, एज, प्रिटी एज यूज हुआ है,
फॉर देन यूज हुआ है और एज यू प्लीज यूज हुआ है, ये सारे लिख लें, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ही है, आप इसको नोट डाउन कर लें इसका आंसर. कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो इन टू वन सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस. चलें उसको छोड़ें, ये करें, राइट अ समरी ऑफ द पोएम. समरी लिखनी है आपने पोएम की, ये लिख लें. इट लुक्स ब्यूटिफुल व्हेन बोट्स एंड शिप्स सेल ऑन रिवर्स एंड सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल ओवर द स्काई लुक मोर ब्यूटिफुल. दे आर ऑल्सो ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, रिवर्स है ये बेटा, रिवर्स ड्राइव्स नहीं है, दैट एड टू द ब्यूटी, बट अ रेनबो दैट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज फार प्रिटियर देन एनीथिंग एल्स. ये नोट डाउन कर लें, समरी है पोएम की, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में. नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स मीनिंग उतार लें. ब्रिज का मतलब होता है पुल, इंग्लिश में आपने नहीं लिखना, सिर्फ उर्दू में इनकी मीनिंग्स लिखने हैं. अर्थ जमीन, हेवन जन्नत, प्लीज मेहरबानी करना, प्रिटियर ज्यादा खूबसूरत, रेनबो कौसे कजां, सेल पानी पर तैरना. ये थे वर्ड्स मीनिंग, उतार लें ये सारे. अब आगे एमसीक्यूज. द पोएम इज अबाउट द रेनबो, आपको बताया कि रेनबो के बारे में है, तो सी पे टिक कर दें. व्हाट सेल्स ऑन द रिवर्स एंड द सीज, बोट्स एंड शिप्स, बी पे टिक कर दें. व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, क्लाउड्स, ए पे टिक कर दें. व्हाट लिंक्स वन बैंक ऑफ अ रिवर टू इट्स एन अदर बैंक, डी ब्रिजेस पे टिक कर दें. और लास्ट वन है व्हाट डज ओवरलुक द ट्रीज, डी रेनबो. ठीक है, ये 5 एमसीक्यूज हैं आपकी बुक के एंड पे दिए हुए, ये आप लोग सॉल्व कर लें. वर्ड्स मीनिंग को अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर लें. ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जो जो मैंने आपको काम करवाया है वो लिख लें. समरी ऑफ द पोएम भी लिखें अपनी कॉपी पे, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखें, ठीक है? और जो सारा काम अभी हमने समझा है, किया है, उसको सारा कॉपी पे उतार लें एंड कंप्लीट योर कॉपीज, ठीक है? सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.